इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे में, और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं संभल जिला और चंदौसी के बारे में। तो दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे पर जिले में बनेंगे 2 जंक्शन और 1 फ्लाई ओवर। दोस्तों, चंदौसी संभल में भूमि अधिग्रहण के लिए 450 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिए हैं, यूपीडा ने दे दिए हैं वहाँ की भूमि अधिग्रहण करने के लिए। और ये संभल चंदौसी के अंदर 38 किलोमीटर का एक भाग बनाया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बात कर दूं तो ये 2 आपके 1 फ्लाई ओवर और 2 जंक्शन जो बनाए जाएंगे, ये क्रॉस करेंगे गंगा एक्सप्रेस वे, जो क्रॉस करेगा नेशनल हाईवे व 2 स्टेट हाईवे को क्रॉस करता हुआ निकलेगा। एक एक्सप्रेस वे को निकालेगा नेशनल मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे और मुरादाबाद अनूप शहर स्टेट हाईवे। और मैं आपको बता दूं चंदौसी संभल के अंदर ये कहां कहां पर क्रॉस करके निकलेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे, जहां पर ब्रिज बनाया जाएगा। चंदौसी से बहजोई के बीच गांव मझोला में और संभल खिरजी बिजनौर बदायूं स्टेट हाईवे से और बहजोई के बीच के आसपास ये क्रॉस करता हुआ निकलेगा। दोस्तों, ये चंदौसी संभल जिले के अंदर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और वहां पर 2 जंक्शन और 1 फ्लाई ओवर बनाया जाएगा, जिससे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को क्रॉस करता हुआ निकलेगा। और इस गंगा एक्सप्रेसवे में जल्द ही भूमि अधिग्रहण कर वहां पर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सभी जिलों के अंदर मेरठ से प्रयागराज तक जितने भी जिले आते हैं उनमें अब भूमि स्तर से कार्य चल रहा है, और जिस तरह से देखा जा रहा है भूमि स्तर से इस वक्त बहुत ही स्पीड से कार्य चल रहा है, क्योंकि सरकार को इसका शिलान्यास 2021 जून में कर देना है और इसका निर्माण जून में ही शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। जैसे भी कोई हमें अपडेट मिलेगी तो हम आपको तुरंत उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।